जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा फर्स्ट टेस्ट मैच का दूसरे दिन का दोस्तों टी ब्रेक तक का हाल बताएंगे। किस तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाज बेबस नजर आए और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की ओपनिंग धाकड़ जोड़ी ने यहां पर बहुत बेहतरीन शुरुआत दिला दी है टीम न्यूजीलैंड को और सेकंड सेशन तक क्या जोरदार बल्लेबाजी करी दोनों ही बल्लेबाजों ने। कई मौके दोस्तों रविंद्र जडेजा ने बनाए लेकिन उन मौके को टीम इंडिया अच्छे से बुना नहीं पाए। लेकिन दोस्तों सारी जानकारी आपको देने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से पाते रहें। बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम पर खेली जा रही टेस्ट सीरीज के बारे में, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान हैं अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली की गैर मौजूदगी में, साथ ही साथ इस टीम में रोहित शर्मा, शमी बुमराह, ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं, तो वहीं पर कई सारे युवा खिलाड़ियों को मौका मिलता नजर आया है। श्रेयस अय्यर ने दोस्तों इस टेस्ट में डेब्यूट किया, ना सिर्फ डेब्यूट किया बल्कि आज के दिन पर जड़ दिया एक बेहतरीन सुंदर शतक। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें शतके पारी खेलने वाले 16वें भारतीय बन गए हैं श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अपने पहले ही टेस्ट के मुकाबले में शतक जड़ा है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, पृथ्वी शो जैसे कई बड़े नामी चेहरों का नाम शामिल है। आपको बताया दोस्तों किस तरीके से आज दिन की खेल की शुरुआत 258 रन 4 विकेट के नुकसान पर हुई, क्योंकि पहले दिन का खेल जब समाप्त हुआ था दोस्तों तो टीम इंडिया ने 258 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना रखे थे, या यूं कहें कि श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ने मैच बचा रखा था, क्योंकि पहले दिन का हाल देखकर लग रहा था टीम इंडिया बेहाल हो चुकी है, बुरे हाल में नजर आ रही थी टीम इंडिया, क्योंकि 145 रन पर ही 4 विकेट खो दिए थे। और हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी बल्लेबाज के बीच ज्यादा बड़ी कोई पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली थी, शुरुआती 4 विकेट जब गिरी थी सिवाय चितेश्वर पुजारा और शुभमन गिल को छोड़कर। शुभमन गिल ने दोस्तों 93 गेंदों में 52 रन की पारी खेली, तो वहीं 88 गेंदों में 26 रन की पारी पुजारा ने और 28 गेंदों में 13 रन की पारी खेली दोस्तों मयंक अग्रवाल ने। कप्तान अजिंक्य रहाणे से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी कि उनके बल्ले से बड़ी पारी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इंडिया ने दोस्तों फर्स्ट इनिंग के दौरान 345 रन बनाए और उनको ऑल आउट कर दिया। इस ऑल आउट में दोस्तों सबसे जो गौर करने वाली बात है ये वो है कि किस तरीके से यहाँ पर तेज गेंदबाजों ने पूरी तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों का सफाया करते नजर आए और लास्ट में जाके कहीं धीमी गति गेंदबाज न्यूजीलैंड के एजाज पटेल को 2 विकेट हाथ लगी, एक अश्विन के रूप में और एक ईशांत शर्मा के रूप में, यानी कि टेलेंडर बल्लेबाजों की ही। वरना तो दोस्तों तेज गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से कोहराम मचा रखा था टीम इंडिया के खेमे में। और साफ साफ देखने को मिला दोस्तों कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में दोस्तों टीम इंडिया की बल्लेबाजी में कलात्मक शॉट देखने को मिले, सबर देखने को मिला, ज्यादा यहां पर स्लेजिंग या यूं कहे कि कोई खिलाड़ी गुस्से में नजर नहीं आ रहा। यह सब दोस्तों असर कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ की कोचिंग का नजर आ रहा है। मैदान पर खिलाड़ी इतने शांत स्वभाव से खेलते नजर आ रहे हैं, कोई अगर बड़ा रन भी बना रहा है तो ज्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहा, कोई अगर यहां पर आउट भी हो रहा है तो ज्यादा दुख भी नहीं जता रहा। तो ये दोस्तों राहुल द्रविड़ की कोचिंग में एक बात अलग निखर के सामने आ रही है टीम इंडिया की। अब आप सबको बता दिया है कि किस तरीके से 345 रन 10 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया ने बनाए, लेकिन आज डे टू के दोस्तों यहां टी ब्रेक तक की हाल की अगर आपको बताए तो यहां पर फर्स्ट सेशन के दौरान टीम इंडिया की बल्लेबाजी अच्छी चल रही थी। टीम इंडिया ने 25 ओवर के अंदर 81 रन बनाते हुए 4 विकेट खो दिए थे और 4 विकेट में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट विकेट रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर के रूप में था। रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर ने दोस्तों कल 208 गेंदों में 112 रन की प्लस तक की पार्टनरशिप खेली थी, जो बहुत बड़ी पार्टनरशिप दोस्तों एक तरीके से देखा जाए करीब 113 रन की पार्टनरशिप थी, बहुत बड़ी ये पार्टनरशिप थी। लेकिन आज जब दिन के खेल की शुरुआत हुई तो हर किसी का यही मानना था कि शुरुआती 15 ओवर अगर ये दोनों बल्लेबाज 10 ओवर भी अगर खेल जाते हैं तो पूरा दिन इनके नाम रहने वाला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रविंद्र जडेजा का विकेट दोस्तों टीम सऊदी ने झटका, टीम सऊदी का बोलबाला था। कल काइली जेमिनसन की हमने गेंदबाजी देखी, आज टीम सऊदी गेंद में थोड़ा स्विंग देखने को मिला, यानी कि गेंद अपनी गति से बहुत तेजी से निकल रही थी, उसके बाद सामने बल्लेबाज को परेशान भी कर रही थी। 112 गेंदों में दोस्तों 50 रन की पारी खेली रविंद्र जडेजा ने 6 चौके की मदद से, तो वहीं दोस्तों 171 गेंदों में 105 रन की पारी निकली श्रेयस अय्यर के बल्ले से और ये सबसे खूबसूरत पारियों में से एक गिनी जा सकती है इस साल की, क्योंकि युवा खिलाड़ी और जो 2 सालों से मैदान से दूर था रेड बॉल क्रिकेट से, यूं कहें यानी कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट से, उसने आते ही दोस्तों 2 साल बाद शतक लगाया, इससे खूबसूरत बात क्या ही होगी। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिनका ये कहना है कि भारतीय टीम में तो आईपीएल से उठकर खिलाड़ी आए हैं और उनके बस की कुछ नहीं, ओडीआई और टेस्ट मुकाबले में उनकी पोल खुल जाएगी। तो देख लीजिए दिल्ली कैपिटल्स का पूर्व कप्तान दोस्तों श्रेयस अय्यर और दिल्ली कैपिटल्स का बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने किस तरीके से यहां पर टीम इंडिया में विराट कोहली की जगह को लेते हुए 171 गेंदों में 105 रन की पारी खेली और विराट कोहली की कमी को नहीं महसूस होने दिया। इस पारी में 13 चौके 2 छक्के शामिल हैं। अश्विन ने भी दोस्तों 56 गेंदों में 38 रन बनाए, 34 गेंदों में 10 रन की पारी नाबाद उमेश यादव ने भी खेली। लेकिन हम बात कर रहे थे
गेंदबाजी की, तो आज सुबह ही दोस्तों काफी परेशान करते नजर आए टीम साउदी, और इनकी परेशानी हमने देखने को मिली कि भारतीय बल्लेबाज पूरी तरीके से बिखर गए जैसे ही रविंद्र जडेजा का विकेट गिरा। 266 पर रन पर दोस्तों पांचवा विकेट आया था, तो वही 345 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो चुकी थी, यानी कि 100 रन से भी कम के अंदर में दोस्तों पांच विकेट खो दिए थे। और मतलब टैलेंटर बल्लेबाज भी दोस्तों टेस्ट में रन बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, यहां पर बनाना चाहिए था रन लेकिन रन बना नहीं पाए। आपको बता दें कि टीम साउदी ने 27.4 ओवर में 6 ओवर मेडन देते हुए 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर चटकाए। ये इनका पांचवा पंजा, मतलब कह सकते हैं पांच का पंजा खुल चुका है। जैमिनसन ने 3 विकेट झटके 91 रन देते हुए 23.2 ओवर में, तो वहीं एजाज पटेल को लास्ट में 2 विकेट हाथ लग गए, वरना तो दोस्तों यहां पर स्पिनर का जो नाम था वो सचमुच डूब जाता। अब 345 रन का दोस्तों पीछा करने उतरी, उसके साथ ही यहां पर एक बड़ी लीड लेना चाहेगी न्यूजीलैंड की टीम, और न्यूजीलैंड ने अपनी बल्लेबाजी से एक छोटा सा ट्रेलर तो दे दिया है, वो ये कि इनकी ओपनिंग जोड़ी 72 रन पर है और बिना विकेट खोए। टीम इंडिया की बात करें तो 21 रन पर ही दोस्तों पहला विकेट गिर गया था टीम इंडिया का, वो भी था ओवर 8वां ओवर था। और यहां पर दोस्तों यहां पर न्यूजीलैंड का हाल देखा जाए तो 26 ओवर खेल चुकी है दोनों जोड़ी, और 72 गेंदों में 23 रन टॉम लैथम ने और 86 गेंदों में 46 रन विल यंग ने। ये तो आप मान लीजिए एक तरीके से टीजर या ट्रेलर ही मान लीजिए, पूरी फिल्म जो है कैन विलियमसन और रोस टेलर का आना बाकी है, वो आएंगे दोस्तों तो उनको तो और भी यहां पर बल्लेबाजी में करना मजा आता है टीम इंडिया के गेंदबाजों के सामने, चाहे कितना भी बेहतरीन गेंदबाज टीम इंडिया का क्यों ना हो, कैन विलियमसन और रोस टेलर हमेशा से खतरनाक साबित रहे हैं। ईशांत शर्मा को आजमा लिया, उमेश यादव को आजमा लिया, रविचंद्रन अश्विन को आजमा लिया, जडेजा को आजमा लिया, अक्षर पटेल को आजमा लिया, लेकिन विकेट हाथ नहीं लग रही है। आपको बता दें रविंद्र जडेजा ने 2 से 3 मौके बनाए भी सेकंड सेशन में, लेकिन वो मौके बुना नहीं पाए। सेकंड सेशन का जो दोस्तों खेल हुआ है वो खेल दोस्तों करीब 28.1 ओवर का हुआ है, जिसमें 78 रन देते हुए 2 विकेट यहां पर टीम इंडिया की ही गिरी थी। एक विकेट दोस्तों अश्विन के रूप में थी और दूसरा विकेट यहां पर कह सकते हैं कि ईशांत शर्मा के रूप में, लास्ट में 2 विकेट ये गिरी थी। अब न्यूजीलैंड ने 72 रन बना लिए हैं, 273 रन से टी ब्रेक तक दोस्तों पीछे चल रही है, देखते किस तरीके से यहां पर वो जल्दी से कवर करना चाहेगी, उसके बाद एक बड़ी लीड लेना चाहेगी। आज का जो अगला सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे शाम का समय भी होगा और यहां पर देखते किस तरीके से न्यूजीलैंड अपने बल्लेबाजों के दम पर यह बड़ा स्कोर आराम से कवर कर पाए और यहां पर बड़ा लीड दे पाए। लेकिन देखा जाए दोस्तों कुल मिलाकर तो अजिंक्य रहाणे की थोड़ी बहुत नाकामी सामने आई है कि किस तरीके से अगर बल्ले से अच्छा कमाल दिखाते तो यहां पर स्कोर और बड़ा हो सकता था, या कोई और खिलाड़ी ही श्रेयस अय्यर की तरह एक पारी खेल जाता तो स्कोर और बड़ा होना चाहिए था। वीवीएस लक्ष्मण से लेकर आकाश चोपड़ा तक का यही मानना था कि यह स्कोर और बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि बल्लेबाजी के लायक ही यह पिच काइली जैमिनसन और टीम साउदी के हाथों आउट होने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। धीमी गति गेंदबाजी के हाथों आउट होते तो मानते भी, लेकिन यहां पर काइली जैमिनसन और टीम साउदी ने जिस तरीके की गेंदबाजी की उन्होंने सबका दिल जीत लिया। विल यंग दोस्तों 46 रन पर खेलने, 86 गेंदों में 50 इनका होने वाला अगले सेशन शुरू होते ही, 72 गेंदों में 23 रन टॉम लैथम ने बनाए, छक्का अभी तक नहीं लगाया इन दोनों ही खिलाड़ियों में से किसी ने भी, 26 ओवर का खेल खेल चुके न्यूजीलैंड की टीम। तो मतलब कुल मिलाकर यह बात है कि टी ब्रेक तक दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम आज का दिन, मतलब पूरा दिन कह सकते हैं न्यूजीलैंड के नाम रहा है। पहले जो सेशन में दोस्तों 4 विकेट चटकाए थे यहां पर 81 रन देते हुए कुछ, और उसके बाद दूसरे सेशन में यहां पर दोस्तों न्यूजीलैंड ने बिना विकेट खोए 72 रन भी बना लिए और टीम इंडिया के 2 विकेट भी चटकाए थे। तो आज के दोनों सेशन टीम न्यूजीलैंड के नाम रहे, लेकिन क्या आखिरी सेशन कल की तरह टीम इंडिया अपने नाम करवाएगी? कल भी दोस्तों 145 पर चार थी दूसरे सेशन तक, लेकिन उसके बाद तीसरे सेशन में जडेजा और श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया की वापसी कराई थी और मैदान मैच में बनाए रखा था। और आज का तीसरा सेशन देखते हैं दोस्तों, क्या फिर से रविंद्र जडेजा अपनी गेंदबाजी से कमाल दिखाते हैं, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद शमी तो है नहीं दोस्तों, उमेश यादव और साथ ही साथ अक्षर पटेल को साथ देना होगा यहां पर जडेजा का भी। तो दोस्तों क्या लगता है वापसी के और संकेत देखते हैं या नहीं? तो ये था दोस्तों टी ब्रेक तक का हाल, 72 रन बिना विकेट खोए यहां पर न्यूजीलैंड टीम खड़ी है मैदान पर। देखते हैं दोस्तों आगे मुकाबले में क्या होता है नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।